बहुत बहुत राम राम साथियों, और सभी को जय हिंद। इस समय हम लोग जो है एसटी पर डिस्कशन चल रहा है। जैसे चाय पर चर्चा होती है, वैसे एसटी की चर्चा हो रही है। और खैर, आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा हमारे हिसाब से। बहुत जल्द एयरफोर्स और नेवी वालों का हम जो है रिवीजन बैच भी लगाने वाले हैं, महासंग्राम बैच, ज़बरदस्त बैच, जो लगभग लगभग जो है 25 से जो है 20 दिन 20 से 25 दिन चलेगा। उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम आपसे जो है एएसटी की ही बात कर लें। आज हम लोग स्पीड टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, और कोशिश हम कर रहे हैं कि आपके रेगुलर वे में एसटी एक मिल जाए, डेली एसटी एक मिल जाए। तो डेली से क्या होगा, आपको थोड़ा जो है मज़ा आ जाएगा। तो स्पीड टेस्ट नंबर 4 जब हम डिस्कस करेंगे, तो आज नेवी की एसटी होगी, नेवी जो एसटी होगी वो नेवी एसएसआर होगी। 25 क्वेश्चन की एसटी होगी, तो इसको अपना ध्यान रखना। सीजीएल वाले बच्चे भी दे सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं नेवी वगैरह में। तो सबसे पहले हम लोग पैसेज पर वर्क करते हैं। पैसेज लिखा है, माय फ्रेंड चाचा नेहरू वाज अ करिश्मैटिक पर्सनालिटी एंड अ स्टिकल। करिश्मैटिक एक वर्ड दिया है। करिश्मैटिक का मतलब होता है अट्रैक्टिव। अब देखना, करिश्मैटिक दिया है तो ये जिसमें भी एक आई सी लग जाए तो ये एडजेक्टिव होता है। करिश्मैटिक का मतलब होता है अट्रैक्टिव, बहुत ही जो है आकर्षक, ग्रेसफुल। करिश्मैटिक का जो सेंटेंस आएगा, अट्रैक्टिव आएगा, ग्रेसफुल आएगा। और धारणा जिसमें भी लास्ट में आई और सी है, मतलब मैटिक लग जाए, जैसे हमने कहा डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, तो इस प्रकार के टी आई सी लगता है तो ये संभवतः हमारा एडजेक्टिव होता है। धारणा संभवतः हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। तो आप लोगों के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अपना ध्यान रखना। करिश्मैटिक है, डेमोक्रेटिक है, सिस्टमैटिक है, तो उसको अपना समझना। करिश्मैटिक पर्सनालिटी का मतलब बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, ज़बरदस्त पर्सनालिटी। एंड फिर उसने कहा है कि चाचा नेहरू जो है, माय फ्रेंड चाचा नेहरू वाज अ करिश्मैटिक पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी एंड अ स्टिकलर फॉर रूल्स। बड़ा अच्छा टर्म दिया है स्टिकलर। वैसे यहाँ स्टिकलर जो टर्म दिया है ये नाउन है, स्टिकलर। इसकी एक वर्ब आती है स्टिक, अदेयर, स्टिक टू, अदेयर टू। स्टिक टू या अदेयर टू का मतलब नियम कानून से जुड़ा रहने वाला, जो नियम कानून को बहुत मानता है। स्टिक टू या अदेयर टू होता है जो नियम कानून को बहुत मानता है। एडेसिव फोर्स आता है, आपने देखा होगा एडेसिव फोर्स, जो जुड़ा रहता है हमेशा। इसका एक फ्रेज आता है कंप्लाई विद, कंप्लाई विद, अवॉइड बाई, अवॉइड बाई, कन्फर्म टू, कन्फर्म टू, कंप्लाई विद, अवॉइड बाई, कन्फर्म टू, नियम कानूनों का पालन करने वाला। कंप्लाई विद, अवॉइड बाई, कन्फर्म टू, नियम कानून का पालन करना। तो स्टिक टू, अदेयर टू, कंप्लाई विद, अवॉइड बाई, ये सभी जो है प्रीपोजिशन के साथ फिक्स होते हैं। धारणा कंप्लाई विद, अवॉइड बाई, कन्फर्म टू, इन सभी का मतलब होता है नियम कानून का पालन करना, नियम कानून का पालन करना। टू ओवे द रूल्स, टू ओवे द रूल्स। तो कह रहा है स्टिकलर है फॉर रूल्स। वंस ही वॉज इन्वाइटेड टू इनॉग्रेट, इनॉग्रेट होता है उद्घाटन करना, एन एग्जीबिशन, प्रदर्शनी, एग्जीबिशन होता प्रदर्शनी। ही आस्क मी टू अकम्पनी हिम, और उन्होंने क्या है मुझे भी साथ में ले गए। वी वर ऑलरेडी लेट, वो कह रहा है हम पहले से ही लेट हो गए थे। वर यहाँ लिंकिंग वर्ब है, ऑलरेडी इसका जो है एडजेक्टिव टर्म है, ऑलरेडी एडवर्ब है, लेट यहाँ एडजेक्टिव है। वी वर ऑलरेडी लेट, अवर कार्ड हैड टू पास थ्रू, गुजरना, पास थ्रू तो गुजरना, आ रेलवे क्रॉसिंग। वी फाउंड द गेट वर वॉज क्लोज, मैंने ये देखा कि दरवाज़ा बंद था। फर्स्ट द ड्राइवर एंड देन चाचाज सेक्रेटरी रिक्वेस्टेड द गेट मैन टू ओपन द गेट, बट इन वेन, इन वेन एक फ्रेज दिया है, बड़ा अच्छा टर्म है, अपना ध्यान रखना। इन वेन, इन वेन का मतलब होता है यूजलेस, व्यर्थ में। इन वेन होता है व्यर्थ में, एक फ्रेज अलवा आता रहता है अक्सर, इन वेन होता है व्यर्थ में। वो करा पहले तो हमने जो रिक्वेस्ट की ड्राइवर ने, फिर सेक्रेटरी ने, सब बेकार था। फाइनली चाचा हिमसेल वेंट टू इन्वेस्टिगेट, और अंत में चाचा खुद गए पूछताछ के लिए। द गेट मैन एक्सप्लेन द अंडर द रूल्स द गेट हैज़ टू बी क्लोज्ड
10 मिनट बिफोर द ट्रेन पासेस, ट्रेन पास होने के 10 मिनट पहले ही जो है दरवाज़ा बंद हो जाना चाहिए। नेहरू वाज प्लीज एट द डेडिकेशन एंड वेटेड, नेहरू जी जो है बड़े उसकी प्रशंसा की। द गेटमैन वाज जो है लेटर रिवार्डेड, बाद में उस गेटमैन को रिवार्ड किया गया। अब देखो इसमें 5 क्वेश्चन हैं। धारणा, जब भी नेवी के पेपर आप लोगों के पेपर जो आएंगे वो पेपर में एक बात हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। आपके जो 25 क्वेश्चन आएंगे या एयरफोर्स में 20 क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से जो है दिमाग में सेट करना, तो 100% आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब पैसेज वगैरह जो होता है ये आपको बड़ा टफ लगता है, लेकिन पैसेज जब भी आ जाए तो एक बार 5ों क्वेश्चन पढ़ लिया करो। हमने आपको पिछली एसटी में भी बताया है, तो पिछली एसटी अपना देख लिया करो, और इस एसटी का जो है डाउनलोड जरूर कर लेना बेटा, एसटी की पीडीएफ जरूर डाउनलोड करना, और लिंक आपको टेलीग्राम में मिलेगी बढ़िया से, पिछली भी एसटी आपको टेलीग्राम लिंक में मिलेंगी। बाकी आप सभी लोग जो है जो भी लोग हमसे जुड़े हों वो सभी लोग मेरे साथ जो है टेलीग्राम पर आ जाइएगा। टेलीग्राम पर आप जब सर्च करेंगे इंग्लिश भाई अरुण कुशवाहा सर, इंग्लिश भाई अरुण कुशवाहा सर, तो यहाँ पर आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जब आप लोग आ जाएंगे तो कभी कभी क्या होता है बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती हैं या कुछ मैटर देना होता है, बहुत सारा मैटर आपको देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, कुछ सीट दे देने एसटी दे देंगे, उससे इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा जब टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम पर आप जरूर आ जाइए इंग्लिश भाई अरुण कुशवाहा सर धारणा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर साथ साथ में आएगा और इसकी एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और सारी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ेंगे, वहाँ पर अपना जो है सर्च करिएगा, अपना ढूंढ लीजिएगा, और पिछले वीडियो भी जितने हैं एयरफोर्स से रिलेटेड नेवी रिलेटेड देख डालिएगा। अब यहाँ तो देखो लिखा द रिक्वेस्ट ऑफ पंडित नेहरू टू ओपन द गेट वाज वेंट फ्यूटाइल, इसका सुनो जाएगा फ्यूटाइल, इन वेन का मतलब होता है फ्यूटाइल, इन वेन एक फ्रेज होता है इसका नाम फ्यूटाइल, अब पूरा फ्रेज आता है फ्यूटाइल सर्च, निरर्थक प्रयास, निरर्थक प्रयास। इसके लिए एक ईडियम आता है, हम आपको समझा दें बढ़िया, बहुत अच्छा ईडियम आता है अगर तुम्हें पता हो, टू फ्लॉग आ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग आ डेड हॉर्स, इसका एक ईडियम आता है अ फ्लॉग, टू फ्लॉग आ डेड हॉर्स ना, टू फ्लॉग आ डेड हॉर्स एक ईडियम आता है, इसका फ्यूटाइल सर्च होता है सेकेंड आंसर। फिर कह रहा है स्टिकलर आर दोज हु आर इंसिस्ट ऑन समथिंग, जो नियमों कानून को बहुत ज़्यादा मानते हैं जोड़ते रहते हैं, थर्ड आंसर होगा। ऑन अ रेलवे क्रॉसिंग प्रायोरिटी इज गिवेन, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे दी जाती है, टू ट्रेन, ट्रेन को प्रायोरिटी दी जाती है। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पंडित नेहरू, ही वाज प्लीज, ये उनसे खुश हो गए थे गेटमैन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, द गेटमैन वाज रिवार्डेड फॉर हिज एक्ट, फर्स्ट आंसर होगा इसका। तो ये 5 क्वेश्चन है बड़े अच्छे पैसेज हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ोगे तो 5ों क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अब देखो फिर दिया पंक्चुएट द फॉलोइंग, आगे सेंटेंस में पंक्चुएशन नहीं आया, बड़ा अच्छा टर्म है बच्चों ध्यान रखना, तुम लोगों को हम जो है एक क्लास अच्छी सी डिस्कस कर देंगे पंक्चुएशन की आपके इसी चैनल पर जो है यूट्यूब चैनल पर, तो उसको ध्यान रखना पंक्चुएशन फिलहाल में अपना समझना। ये जो पंक्चुएशन पार्ट है ये आपके जो है एग्ज़ाम का बहुत ही अभिन्न पार्ट है और लगभग लगभग आता रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टर्म जो होते हैं वो आपको परेशान करते हैं, परेशान का मतलब जैसे हमने देखा है एक हमने टर्म लिख दिया दो बिंदी लग दी, तो ये कॉलोन कहलाता है, कॉलोन दो बिंदी अगर हम रख देंगे तो ये कॉलोन कहलाएगा, एक बिंदी रखेंगे तो ये फुल स्टॉप कहलाएगा, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, एक बिंदी रखेंगे तो ये फुल स्टॉप कहलाएगा। अच्छा अगर हमने एक बिंदी ऊपर और नीचे से कॉमा लगा दिया तो ये हमारा सेमी कॉलोन कहलाता है, सेमी कॉलोन, ये हमारा सेमी कॉलोन कहलाता है बेटा ध्यान। अच्छा फिर हमने देखा कि एक हल्का सा ऐसे हमने बना दिया, ये हाइफ़न कहलाता है, हाइफ़न, हाइफ़न होता है गैप बिटवीन। अच्छा अगर हमने इसी हाइफ़न को थोड़ा बड़ा कर दिया तो ये डैश कहलाता है, अगर हाइफ़न को थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो ये डैश कहलाता है। अच्छा फिर आपको एक टर्म और मिलेगा एलिप्सिस, एलिप्सिस, एलिप्सिस में क्या होता है एक दो तीन, तीन बिंदी होती हैं या एक दो तीन चार, एलिप्सिस में क्या होता है चार बिंदी होती हैं, इस प्रकार की जो बिंदियां होती हैं पॉइंट्स जिनको बोलते हैं ये पॉइंट्स हमारे एलिप्सिस कहलाते हैं, और ये शो करते हैं कि कोई मैटर आगे और भी लिखना है, तो ये इस प्रकार पंक्चुएशन का केस अपना ध्यान रखना बेटा।
पंक्चुएशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और वहाँ पर क्या करना होगा अपना समझना। फिलहाल में एलिप्सिस समझो। एलिप्सिस का मतलब होता है शब्दों का लूप, कुछ शब्दों को बीच में से ख़त्म कर देना। जैसे आपने कोई हेडिंग डाली, जैसे आपने लिखा बहुत अच्छा, सामने एक वर्ड लिखा तेरी, अब आपने एक बिंदी एक बिंदी एक बिंदी ऐसी बढ़ा दी, तो इसके आगे इसके मतलब कुछ और लिखना होगा। लेकिन हम लोग इतने में मज़ा नहीं आती, हम लोग क्या काम करते हैं इसमें पूरा एक जो है डॉट 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 बना देते हैं, डॉट बना देते हैं, डॉट बना देते हैं। अब यहाँ पर पता लगा जो लिख रहे हो वो क्लियर हो जाता है क्या लिख रहे हो। पता लास्ट में लिखे साइकिल मेरे पास है तेरी, अब यहाँ पर जो तेरी जैसे तुमने लिखा तो इसके बीच में जो तुम्हें समझ में आया है इसी को बोलते हैं एलिप्सिस। तो धारणा एलिप्सिस होता है जो पॉइंट्स का जो है शेड्यूल कहलाता है, इसे एलिप्सिस कहते हैं। तो ये पंक्चुएशन का आपको क्वेश्चन मिलेगा अपना ध्यान रखना। तो क्वेश्चन देखो लिखा है ही सेड टू हिज मास्टर आई एम ओबीडियंट। पहली बात तो ये गलत, अगर इनडायरेक्ट बना होता तो इसका आंसर फोर्थ होता है, लेकिन फर्स्ट आंसर आपने देखा है यहाँ पर सेड के बाद कॉमा लगा आता नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत हो जाएंगे, फोर्थ आंसर होगा नहीं, थर्ड आंसर हो जाएगा। धारणा थर्ड आंसर रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग, तो कह रहा है ही ड्राइव्स टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच, इधर देखो बेटा ही ड्राइव टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच। अब आपको पता है जो रिमूवल टू होता है, रिमूवल टू, अब रिमूवल टू का क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में जरूर आता है ध्यान, और इस रिमूवल टू का एक हमने वीडियो भी डाला है बेटा यूट्यूब पर, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। रिमूवल टू में क्या होता है, हम टू हटा के सो लगा देते हैं। अच्छा सो एक एडवर्ब होता है, रूट टू भी एक एडवर्ब होता है। सो के बाद क्या होता है, हम जो है यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट लिखते हैं इसके बाद क्या होता है, हम दैट का प्रयोग करते हैं और प्लस आगे कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पर देखो ही ड्राइव सो फास्ट दैट पुलिस कुड नॉट कैच हिम, ये आंसर होगा। तो ही ड्राइव सो फास्ट, तो ही ड्रोव हो जाएगा, पास्ट टेंस की कंडीशन दे रहा है, सभी हो जाएंगे, तो फोर्थ आंसर आएगा सेवन का फोर्थ, ही ड्रोव सो फास्ट दैट पुलिस कुड नॉट कैच हिम। तो ये आपके सेवन क्वेश्चन हो गए जिसमें आपका एक रिमूवल टू का क्वेश्चन था, रिमूवल टू। अब देखो अब इस एसटी में अपना समझना, एसटी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इंडोलेंट, ये पूछा है सिनोनियम्स पूछा है, दो सिनोनियम्स पूछे हैं। आप धारणा सिनोनियम के लगभग लगभग हमने पाँच चार से पाँच वीडियो छः वीडियो डाले हैं यूट्यूब पर, वो सारे सिनोनियम्स की लिस्ट अपना डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अपना देख लेना। यहाँ पर एक वर्ड दिया इंडोलेंट, आप धारणा ये जो इंडोलेंट है ये एडजेक्टिव है, इंडोलेंट है ये एडजेक्टिव है, किसी में ई एन टी लास्ट में लगता हो तो संभवतः इंडोलेंट एडजेक्टिव होता है। इसका अगर नाउन चाहेंगे तो नाउन होगा इंडोलेंस, नाउन होगा इंडोलेंस, धारणा ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, किसी भी ई एन टी या ए एन टी लगता है तो संभवतः जैसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ये एडजेक्टिव होते हैं संभवतः। तो अब हमने देखा इंडोलेंट हमारा एडजेक्टिव है, इसका एक एडजेक्टिव आता है इनएक्टिव, इनएक्टिव आता है। अच्छा फिर एक इसका एडजेक्टिव है डॉर्मेंट, डॉर्मेंट, लिथार्जी, लिथार्जी, स्लगिश, स्लगिश, इंडोलेंट, इनएक्टिव, डॉर्मेंट, लिथार्जी, स्लगिश, स्लॉथफुल, स्लॉथफुल, लेजी, लेग्जेटिव, लेग्जेटिव, लेजी, लेग्जेटिव, इंडोलेंट, स्लगिश, स्लॉथफुल, लेजी, डॉर्मेंट, लेग्जेटिव, इन सभी का मतलब होता है सुस्त या ढीला ढाला, इन सभी का मतलब होता है सुस्त या ढीला ढाला, इंडोलेंट, इनएक्टिव, डॉर्मेंट, लिथार्जी, स्लगिश, इन सभी का मतलब सुस्त या ढीला। तो यहाँ पर लेजी वर्ड दिया है इसी का आंसर हो जाएगा, लेजी इसका जो वर्ड दिया है वो इसका आंसर हो जाएगा। धारण इन सभी का मतलब होता है सुस्त या ढीला ढाला। अच्छा इसी में अगर आप देखेंगे एजाइल वर्ड दिया है तो एजाइल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एजाइल मिलेगा, स्विफ्ट मिलेगा, प्रॉम्प्ट मिलेगा,
इस पर मिलेगा, तो इसका मतलब क्विक, बहुत तेज। इन सभी का मतलब होता है क्विक, होता है बहुत तेज, जो एनर्जी से भरा हुआ। अच्छा, जो एनर्जी से भरा हुआ वो एनर्जेटिक कहलाता है। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब होता है फ्लैम बॉयंट, फ्लैम बॉयंट, एनर्जेटिक फ्लैम बॉयंट। फिर आपको पढ़ने लगा जील, जेस्ट, इलेन, वर्ब, फरवर, फरवर, जील, जेस्ट, वर्ब, इलेन, फरवर। इन सभी का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी। इन सभी का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी। तो एजाइल स्विफ्ट प्रॉम्प्ट इस पर होता है बहुत तेजी से, क्विक माइंड, और एनर्जेटिक फ्लैमबॉयंट, जील, जेस्ट, फरवर, इंतजाम होता है फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ। अच्छा, जो एनर्जी से भरा हुआ होता है इसके लिए एक फ्रेज आता है लाइव वायर, लाइव वायर। धारणा, ये एक इडियम्स आता है लाइव वायर। एनर्जेटिक होता है लाइव, वायर मतलब जानते हो तार होता है, लाइव होता है जिसमें बिजली दौड़ रही होती है। आपने देखा कहीं पर वायर पड़ा था बिजली दौड़ने वाला, आपने टच कर लिया, जैसे ही आपने पकड़ा तो आपके अंदर एनर्जी आ गई, बाल खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे, तो उसको बोलते हैं लाइव वायर, एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी। तो ये इंडोलैंड का जो है। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन दिया ओसिलेटिंग, ओसिलेटिंग यहाँ पर वर्ब है, ओसिलेट एक बार मिलेगा, ओसिलेट, ओसिलेट का मतलब होता है स्वे और स्विंग, ओसिलेट होता है स्वे या स्विंग। ओसिलेट का मतलब दोलन करना, हिलना या डुलना, ओसिलेट होता है दोलन करना, हिलना या डुलना। बिलना नहीं लिखना बेटा, हिलना या डुलना, ध्यान रखना तुम्हें, बिलना या जो है ढिलना लिख लो। तो ओसिलेट स्वे, और स्विंग देखना, स्विंग एक वर्ब है, जब इसका मतलब वर्ब होता है तो हिलना या डुलना होता है। स्विंग एक नाउन भी होता है, तो इसका मतलब होता है झूला, स्विंग एक नाउन होता है, इसका मतलब झूला होता है। अच्छा, स्विंग जब वर्ब और होगा तो इसका मतलब झूला, झूलना होता है। स्विंग नाउन होता है तो इसका मतलब झूला होता है, और स्विंग होता है झूला, झूलना। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा आप लोग झूला झूलते हैं, या इसका एक मतलब होता है पैंग बढ़ाना, पैंग बढ़ाना। स्विंग का मतलब पैंग बढ़ाना होता है या झूला झूलना। बचपन ध्यान को, तुम लोग अपने घर में अपने रस्सी छोटी डाल ली, नीचे फुकनी बांध ली, मार झूला झूल लो ताबड़तोड़, या बड़ी रस्सी बांध लेते तो कहीं पेड़ वगैरह पर तो फैले पड़े, पता लगा दूसरे के ऊपर रस्सी टूट गई, दूसरे के भी हाथ पर तोड़ दिए, तो इसे स्विंग बोलते हैं। ध्यान, प्रोफिशिएंट, फोर्थ ऑप्शन दिया कुशल मंगल होता है, बहुत ही कुशल होना। प्रोफिशिएंट होता है एक्सपर्ट होना, प्रोफिशिएंट होता है एक्सपर्ट होना। अब देखो फिर एक वर्ड दिया डिप्राइव, डिप्राइव एक वर्ब है, ध्यान, डिप्राइव के बाद प्रयोग आता है ऑफ, डिप्राइड ऑफ, डिवाइड ऑफ, वंचित कर देना किसी को, डिसइनहेरिट कर देना, वंचित कर देना, डिसइनहेरिट कर देना। इसका आंसर होगा फर्स्ट, डिप्राइव या डिवाइड होता है, इनके साथ ऑफ आता है, इनका वंचित कर देना, अलग कर देना, खत्म कर देना। अब देखो एंडो एक वर्ड दिया है, बड़ा अच्छा टर्म है, एंडो का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ नवाजना, देना। आपको जो वर्ड मिलेगा एंडो, वेस्टो, कन्फर और बिकित, एंडो, वेस्टो, कन्फर और बिकित। अब ध्यानना, एंडो जो होता है जब ये पैसिव फॉर्म में होता है तो एंडो के साथ विद आता है, एंडो विद होता है प्राकृतिक गुणों से सजा हुआ। एंडोड, जैसे हमने कहा लता मंगेशकर इज एंडोड विद नेचुरल वॉइस, गॉड गिफ्टेड वॉइस। और वेस्टो या कन्फर के साथ प्रेपोजिशन ऑन आता है, पिछली एसटी में कहीं था आपने देखना, वेस्टो या कन्फर। और बिकीत प्रॉपर्टी, बिकीत प्रॉपर्टी टू समबडी, बिकीत प्रॉपर्टी टू समबडी, किसी को कोई प्रॉपर्टी देना। तो एंडो, वेस्टो, कन्फर, बिकीत का मतलब होता है देना कोई चीज़। रिजवाइज, जान तो खुशी मनाना होता है, रिजवाइज होता है टू बी हैप्पीनेस, रिजवाइज, इसी में ऑप्शन दिया, टू बी हैप्पी होता बहुत ज़्यादा खुश होना, रिजवाइज होता बहुत ज़्यादा खुश होना। और पॉज का मतलब जानते हो रुकना होता है या हिचकिचाना होता है, पॉज होता है रुकना या हिचकिचाना। आपको एक वर्ड मिलेगा एडामेंट, ऐसा व्यक्ति जो अडा में चलता हो, मतलब अदा में चलने वाला व्यक्ति, एडामेंट कहलाता है, अदा में चलने वाला व्यक्ति, एडामेंट। इसका सेंस होता है इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, अदा में चलने वाला व्यक्ति एडामेंट कहलाता है, इनफ्लेक्सिबल कहलाता है, ऑब्स्टिनेट कहलाता है, ऑब्स्टिनेट। इसी में एंटोनियम जो पूछा है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, धरना, एडामेंट, इनफ्लेक्सिबल, ऑब्स्टिनेट। फिर इसमें एक वर्ड मिलेगा स्टब बॉर्न,
स्टब बर्न, एडामेंट इनफ्लेक्सिबल, ऑप्शन ए स्टब बर्न। फिर एक बार लेगा हार्टी हार्टी, फिर एक बार लेगा सुपरसीलियस सुपरसीलियस हार्टी सुपरसीलियस, फिर एक वर्ड मिलेगा आपको ऑब्डुरेट ऑब्डुरेट, एक वर्ड मिलेगा ऑब्डुरेट OBDURAT ऑब्डुरेट। अच्छा, फिर एक वर्ड मिलेगा आपको पारोसियल पारोसियल। अच्छा, फिर इसी का एक वर्ड मिलेगा आपको रिजिट। देखो इन सभी का मतलब जो होता है कॉमन मतलब जो होता है रिजिट होता है, बहुत ही सख्त रिजिट, जो आपकी बात को ना माने। बाकी के एडामेंट इनफ्लेक्सिबल, ऑप्शन ए स्टबर्न, हार्टी सुपरसीलियस ऑब्डुरेट पारोसियल, इन सभी का मतलब जिद्दी या घमंडी होता है, इन सभी का मतलब होता है जिद्दी या घमंडी अड़ियल। अब देखना होगा आधा में चलने वाला जो है एडामेंट, इनफ्लेक्सिबल जो झुके ना, ऑप्शन ए स्टबर्न, हार्टी हार्टी सुपरसीलियस ऑब्ड। आपने देखा पारोसियल, आपने वर्ड सुना होगा पारो, पारो का नाम सुना होगा, दुनिया जान चुकी है कि पारो कौन है। अब पारोसियल में आपने देखा होगा जो पारो और देवदास की कहानी दिखाई जाती है। अब देवदास बेचारा बचपन से पूरा सहारा लेके मेहनत करता है अच्छा खासा जो है, अचानक क्या होता है देवदास कहीं पढ़ने चला जाता है, तब तक पारो पड़ोसी को जाती हैं, जैसे पड़ोसी हो जाती है बेचारा देवदास दोबारा आता है और देवदास पारो से कहता है कि चलो, तो पारो अब चल नहीं रही है, तो कैसी हो गई है इनफ्लेक्सिबल, बड़ी रिजिड हो गई। बोला अब हम नहीं चलेंगे, आधा में चल रही है। बोला क्यों? क्योंकि ठाकुर साहब से शादी होगी, तुमसे बढ़िया है ठाकुर साहब, व्यवस्था भी बढ़िया है उनके, फ्रिज कूलर भी है उनके पास। तो ऑप्शन स्टब बर्न, हटी हो गई है, जिद हट नहीं रही है। तो इन सभी का मतलब होता है जिद्दी या घमंडी। तो धारणा ये सभी जिद्दी या घमंडी के टर्म्स होते हैं, तो इनका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनियम्स हो जाएगा फ्लेक्सिबल। ये सभी एक दूसरे के जो है सिनोनिम्स हैं, इनका एंटोनियम्स हो जाएगा फ्लेक्सिबल, एंटोनियम्स हो जाएगा फ्लेक्सिबल। चेयरफुल खुद जान तो लीन झुकना होता है। सॉलिसिट का मतलब होता है बहुत ही रिक्वेस्ट करना, सॉलिसिट आपको मिलेगा, बिसीज मिलेगा, सॉलिसिट इम्प्लोर लिख लो, इम्प्लोर सॉलिसिट या इम्प्लोर, रिक्वेस्ट करना किसी से, विनती करना। तो प्रॉविट हो जाएगा मना कर देना, फर्स्ट आंसर इसका आंसर होगा। अकॉस्ट होता है कहीं पर पहुंचना, अकॉस्ट होता है पहुंच होना। इम्प्लोर बता दिया स्लाइट, बहुत ही हल्का होता। फिर देखो वन वर्ड दिए, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीमेन, महिलाओं की जो वेलफेयर के लिए जो मेहनत करता है उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट होता है महिलावादी व्यक्ति। गायनकोलॉजिस्ट होता है स्टडी ऑफ वीमेन डिजीज, महिलाओं की डिजीज की बीमारी का अध्ययन करने वाला गायनकोलॉजिस्ट। अच्छा, गायनोसियम का मतलब होता है फीमेल ऑर्गन का अध्ययन करने वाला, जो फीमेल आर्गन होता है पौधों वगैरह में होता है या फ्लावर में होता है। और गिम्नोसोफिस्ट होता है एक प्रकार का जो है टीचर कह सकते हो, प्रीचर कह सकते हो, उपदेश देने वाला जो कम कपड़े पहनता है गिम्नोसोफिस्ट। वन हुई जो हैबिचुअल ड्रंकार्ड, ऐसा व्यक्ति जो ड्रंकार्ड हैबिचुअल होता है, इसके लिए एक वर्ड आता है शॉर्ट, स्टपर और टिपलर, शॉर्ट स्टपर और टिपलर। हैबिचुअल ड्रंकार्ड होता है शॉर्ट स्टपर और जो है टिपलर, ऐसा व्यक्ति जो ताबड़तोड़ शराब पीता है ड्रंकार्ड, ऐसा व्यक्ति जो ताबड़तोड़ शराब पीता है उसके लिए शॉर्ट स्टपर और टिपलर बोलते हैं। माधुरी का बहुत बड़ा शौकीन, जब तक आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जब तक माधुरी सुबह एक पैक लगा नहीं लेते तब तक उनके हाथ पर हिलते डुलते रहते हैं, और जैसे पैक लगा लिया बोला आप बताओ कोई भी काम हो। तो इसके लिए एक वर्ड और आता है बूजर, ये भी शराबी होता है, गजलर ये भी शराबी होता है, बूजर या गजलर होता है जो शराबी। अमिताभ बच्चन नहीं लिखना बेटा, तुम कोष्टक में अमिताभ बच्चन हो, बूजर या गजलर। तो शॉर्ट इसका सिनोनिम्स आएगा। हेरेटिक होता है कंट्रेरी टू ओपिनियंस, विचारों या धर्म के विरोध में, हेरेटिक होता है विचारों या धर्म के विरोध में, हेरेटिक कंट्रेरी टू ओपिनियन, विचारों के विरुद्ध में धर्म के विरुद्ध में हेरेटिक। अच्छा, सेकेंड सेफोलॉजिस्ट होता है इलेक्शन का अध्ययन करने वाला, सेफोलॉजिस्ट में बढ़ दिया है इलेक्शन, स्टडी ऑफ इलेक्शन कहलाएगा। पेडांटिक का मतलब जानते हो तुम लोग, जो है जो ज्ञान का दिखावा करता है, टू शो ऑफ हिज नॉलेज। टॉल टॉक इसमें 14 क्वेश्चन में एक जो है वर्ड दिया है, इडियम सोचा है, एग्जाजरेट द मैटर, मामले को बढ़ाना, टॉल टॉक बड़ी बड़ी बातें करना।
चेंज द नरेशन पूछा है, द कमांडर सेड अलास वी आर डिफीटेड, तो द कमांडर एक्सक्लेम इज सारो दैट दे वर डिफीटेड। थर्ड आंसर 15 का थर्ड होगा, कमांडर ने कहा, द कमांडर एक्सक्लेम इज सारो दैट देवर डिफीटेड, कि देवर को हरा दिया गया है। धारणा चेंज द वॉइस 16 क्वेश्चन में दिया, आई हैव ऑफर्ड हिम अ जॉब, तो ही हैज बीन ऑफर्ड अ जॉब बाई मी, या ही हैज बीन ऑफर्ड, आंसर इसका होगा सेकेंड ऑप्शन, ही हैज बीन ऑफर्ड बाई मी अ जॉब। 17 क्वेश्चन में देखेंगे, लिखा है मिस स्पेलबर्ग, ग्रामर की एरर पूछिए बेटा। धारणा लिखा है ही गेव मी नो मनी और डिड ही, ध्यान रखना आपको पता है कि नाइदर के बाद हमेशा ना आता है और आइदर के बाद हमेशा आर आता है। अब आर और नार ये कंजंक्शन होते हैं, ये डिटरमाइनर या एडवर्ब होते हैं। आपको पता है कि नाइदर या नार के बाद जो दिया होगा वर्ब अगर है तो नाइदर के बाद भी वर्ब होगा, आर के बाद वर्ब है तो नाइदर। पहली बात तो धारणा ही आर नहीं होगा नार होगा, तो इसको आर को नार कर लेना। अब नार के बाद डिड दिया है तो इसके बाद जो है आइदर जो है नाइदर के बाद भी वर्ब होना चाहिए। तो जो एरर तो आप सेकेंड ऑप्शन में लगाएंगे, लेकिन फिलहाल में आप समझना फर्स्ट ऑप्शन में करेंगे ही नाइदर गेव, नाइदर का प्रयोग जो है ही नाइदर गेव मी मनी, नाइदर का प्रयोग जो है गेव देम मनी, नाइदर का प्रयोग जो है उठा के आप गेव के पहले, क्योंकि आपने देखा कि आगे नॉर के बाद जो है डिड दिया है, अगर नॉर के बाद डिड दिया है इसके बाद वर्ब है तो इसके बाद नाइदर के बाद भी वर्ब होने चाहिए, मतलब वर्ब के पहले, तो गेव के पहले ही नाइदर गेव देम मनी नॉर डिड ही, ये कंडीशन होगी। अच्छा फिर देखो क्वेश्चन नंबर 18, द पास्ट फॉर्म स्टैंड, धारणा अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट फॉर्म पूछ रहा है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल पूछ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब स्टैंड की पास्ट फॉर्म मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म पूछ रहा है तो स्टूड हो जाएगा, स्टैंड की पास्ट फॉर्म। अच्छा पार्डन का एडजेक्टिव पूछ रहा है, अब पार्डन हमारा एक वर्ब होता है पार्डन, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा पार्डनेबल, पार्डनेबल। धारणा किसी भी वर्ड में एबल लगाओगे एडजेक्टिव हो जाएगा, किसी भी वर्ब में एबल लगा हुआ, जैसे हमने कहा आंसर एबल, आंसर एबल एडजेक्टिव हो जाएगा, टेक एबल, टेक एबल, वाच एबल, वाच एबल, वाच एबल लगाएंगे। जिस भी वर्ड में आप एबल लगा दोगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, एबल लगाने से टर्म हमारे एडजेक्टिव पा जाते हैं। धारणा तो हमने 19 क्वेश्चन तक आपके डिस्कस कर दिए हैं, धारणा हमने अच्छे से समझना, आप एसटी सॉल्व करने के लिए थोड़ा अपना ध्यान रखना, बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से सीखना, समझो। अब देखो द अब 20 से 25 क्वेश्चन देखो, अगर तुम लोगों को कभी भी धारणा अगर दिक्कत पड़ जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स पड़ी हैं, और फिलहाल में मेरे यहाँ जो है इतनी सारी सुविधाएं हैं, जिसकी जॉब वगैरह ना लग रही हो तो अपना हाथ वगैरह दिखा सकता है, मेरे यहाँ जो है दुर्गेश भाई साहब हैं, हाथ वगैरह बढ़िया देख लेते हैं, पता चल जाएगा पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अब देखो द लिखा है वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, वगैरह जो दीवार है द एक्सटीरियर वॉल, बाहरी दीवार, दीवार का बाहरी पार्ट एक्सटीरियर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। अल्टीरियर मोटिव होता है छिपा हुआ हिडन, मेजर और माइनर जानते तुम लोग, दिस हाउस, दिस इज द हाउस, अब दिस इज द हाउस लगा, द हाउस के बाद हमारा जो है एक जो है कंजंक्शन तो आएगा लेकिन दैट, द हाउस सुपरलेटिव फॉर्म में दैट आ जाएगा फोर्थ आंसर। दो ही इज सफरिंग मच पेन, अब दो या ऑल दो बाद हमेशा यट आता है सेकेंड आंसर होगा। आई कैन नेवर रिटर्न विद माई पुअर डॉग, रिटर्न विद समबडी हो जाएगा पर्सन के साथ आया ना सेकेंड, 23 का सेकेंड आंसर। ही मस्ट हैव रीच्ड देयर बाई नाउ, धारणा जो हाँ नाउ है, अब ये बाई जो टर्म होता है ना, बाई का मतलब जब टाइम के लिए होता है, जिसे हमने कहा आई ही रीच्ड देयर बाई 8 PM, तो बाई 8 PM का मतलब होता है बाई जहाँ भी लगता है, इसका मतलब होता है एट या बिफोर, बाई का मतलब होता है एट या बिफोर, अगर बाई लगाओगे तो या तो 8 बजे पहुँचेगा उसके पहले पहुँचेगा। अच्छा अगर तुमने टिल लगा दिया, हमने कहा ही रीच देयर टिल, तो टिल जो होता है टाइम के लिए आता है 8 PM मतलब 8 बजे तक, ये उसके पहले बिफोर द गिवन टाइम होगा, धारणा मतलब अप टू द टाइम जो भी टाइम दिया उस तक, तो बाई का मतलब एट है, तो बाई नाउ, बाई संडे, बाई मंडे, बाई ट्यूजडे, बाई, इस प्रकार के टर्म्स आते रहते हैं। प्रीपोजिशन अपना समझना, हमने पढ़ाया होगा प्रीपोजिशन, अगर आपको प्रीपोजिशन ये बात ना समझ आ रही हो तो प्रीपोजिशन की लगभग 4 क्लासेस हमने डाली हैं यूट्यूब पर, अपना देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दी, उसमें घुस जाओ, निकाल लाओ, अपने पढ़ो जाके अपना। फिर देखो यहाँ दिया है क्वेश्चन, इट इज कूल, अब समर दिया है वो कह रहा है गर्मी के अपेक्षा करते यहाँ पर सर्दी है,
अब समर में तो सर्दी होनी नहीं चाहिए, लेकिन सर्दी है तो इट इज़ कूल फॉर समर, ऐसा लग रहा है गर्मी में भी क्या है, सर्दी है। तो 25 का सेकेंड आंसर, 25 का सेकेंड आंसर। तो आज के एसटी में हमने आपको 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको अपना अच्छे से समझना, अपने डाउनलोड कर लेना। कल की क्लास में नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ ग्रामर के कम देंगे, कुछ न्यूज चैप्टर के वोकैब देंगे, जितने भी स्पेशली जो भी बच्चों के पेपर लगे, स्पेशली एयर फोर्स और नेवी वालों बच्चों तो है, साथ साथ में एसएससी बैंक वालों के भी जिनके पेपर लगे, अपना अलर्ट हो जाए बेटा, बढ़िया से धमाकेदार पढ़ते रहें, और हम आपके जो है रेगुलर वे में एक एसटी और एक क्लास आपको देते रहेंगे। हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम।